ते सतगुरु कहिंदे ने कि तुसी अपने घर नूं जाओ, थोड़ा जा मुड़े, पता नहीं अंदर दा नेह किन्ना सी, थोड़ी जी वापस आके फिर पिछा चले गए। महाराज जी ने कहा तुसी आ क्यों गए? कहन लगे तुहाडे तो बिना मुझ घर भी चंगा नहीं लगना, जिस घर विच तुसी बैठे तुसी रहमतां बखेर आए, तेरे तो बिना घर भी नहीं चंगा लगना। महाराज जी ने कहा कलम लियाओ, शाही ते कलम मंगाई, कागज लैके ओदे उत्ते महाराज जी ने एक हुक्मनामा लिखिया, वह मैं हुक्मनामा आप जी नूं सरवण करा देना। एक एक शब्द जो लिखिया गया, महाराज कहिंदे ने लिखारी तो लिखांदे ने शब्द, कहिंदे ने एक ओंकार सतगुरु जी कोई आज्ञा है, शब्द ने एक ओंकार सतगुरु जी की आज्ञा है, गनी खां नबी खां ये जो है से मेरे फरजंदा से वैध है। ये आज भी हुक्मनामा उस परिवार दे कोल है, गनी खां ते नबी खां फरजंद दर ते मेरे पुत्रां तो चंगे ने, सिर्फ देखो प्यार गनी खां नबी खां ये जो है से मेरे फरजंदा से वैध है, ये मेरे कम आए हैं। अगलिया तुकां वल ध्यान दिया जे, जो सिख इनकी खिदमत अंदर रजू रहे, रजू दा खिदमत दर ते सेवा रजू दर तुंदा ध्यान देना, जेना सिख इन्हां दी सेवा वल ध्यान देगा उस ऊपर मेरी खुशी होग, उस ऊपर मेरी कृपा होग, ते तीजा वचन क्या उस ऊपर मेरा हाथ हो, जेड़ा इन्हां दी सेवा करेगा सो मेरी सेवा करेगा। महाराज जी ने जदों हुक्मनामा दिता ते लिख के दे दिता तुसी मेरे पुत्र, कहने हुक्मनामा पकड़ दिया दोनों भरा रोप है। महाराज जी ने कहा क्यों? कहन लगे सच्चे पातशाह कि तुसी लिख के सानू अपने पुत्र बना लिया। देखो इत्थे केवल प्रेम दिया झलका शरा वाले पासे ना तुरियो, जिन्हें गुरु नू प्यार किया है। महाराज जी ने लिख दिता हुक्मनामा दोनों भरा रस्ते च घड़ी पिछो पढ़न, कदी गनी खां कदी नबी खां हुक्मनामा पढ़द्या पढ़द्या माछी वाड़े शाम नू आ पहुंचे, ते ओ बच्ची जड़ी रोज महाराज जी दे कोल बैठती सी उन्हें दरवाजे च देखिया मेरा बाप ते चाचा आ रहे ने। कह लगी तुसी वापस आए, गुरु जी नू कित्थे छड्या? दोनों बोले नहीं अंदर चले गए, परिवार नू इकट्ठिया कीता, दीवा बालिया, कहन लगे आओ जो गुरु गोबिंद सिंह दे गए ने उहदा कर्ज असीं चुका नहीं सका। कहन लगे की दिता? दीवे दे चानण विचों ना कागज खोलिया ते कागज ते जो हुक्मनामा लिखिया सी उहनू चुम्मिया, क्योंकि मुसलमान वीर अक्सर गोसा लैंदे ने, उस कागज नू चुम्मिया अपने मत्थे ते अखां ते लाया, उहनां पुछिया इह है की? कहन लगे तन गुरु गोबिंद सिंह जी ने लिख के दे दिता है, गनी खां नबी खां मेरे पुत्र, तुसी मेरे बच्चे हो। कहते ने नाले हुक्मनामा पढ़न नाले बैराग विच इत्थे फिर उस बच्ची ने कहा अबू, यह शब्द लिखे ने अबू तुसी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र ते मैं की लगी? बच्ची सी, कह लगे बेटा तू गुरु गोबिंद सिंह दी पोती है, तू उन्हां दी पोती है। कह लगे होर पोतियां किनियां? कह लगे इको तू है, बाकी हर सिख उन्हां दा धी ते पुत्र है। ये शब्द आपां अमृत छक ने ही कहा जाता है, बाकी सिख धी ते पुत्र ने, सानू लिख के पुत्र दिता है ते तू ओदी पोती है। किसने वो बच्ची सारी जिंदगी जिउंदिया इको गल कहती मैं गुरु गोबिंद सिंह दी पोती। हजूर इथों राय कल्ले वल जा रहे ने, आओ छोटे साहबजादियां वल समय विच रह के मैं बेनती करनी चाहांगा, फिर भी यतन करांगा जे पांच सत मिनट वध हो गए मैनू बख्श जरूर दिया जे। हजूर सच्चे पातशाह दे दोनों लाल सरसा तो विछड़ गए, बाबा जोरावर सिंह ते धन बाबा फतेह सिंह जी गंगू खेड़ी अपने पिंड लै गया। ये तुसी इतिहास तो जानू कि महाराज जी दे कोल धन सी, रात नू ओदी नीयत बेईमान हो गई, महाराज जी दी धन वाली खुरजी धन वाला थैला शब्द आपां वरत लईए उहने लुका लिया, ते माता जी ने सवेरे आपो दी रात सी आवाज दित्ती गंगे यही शब्द ने कि बेटा तू ओ धन सांभ लिया। कहन लगा माई ये शब्द अगों ने वरते माई धन केड़ा? कहन लगे इत्थे खुरजी सी मेरे सराहने, चंगा किता तू सांभ ली कौनी है,
कह लगा वेखो भाई नारे मैं तुहानू अपने घर थां दिती ते नाले मैं चोर बनिया इको दम बाहर निकल के रौला पान लग पिया देखो जी मेरे ते इल्जाम लग गया मैं कोई चोर हां। माता जी ने कहा तेनू रौला पान नहीं दिखा चल जे तू नहीं चुकी तो कितने रह गई होनी है तू रौला ना पा। अंदर बेईमान हो चुका सी एक तो गुरु की माता का धन रखांगा ते दूजा गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां नू पकड़ा के वो इनाम भी प्राप्त करांगा। इत्थे मैं एक बाणी च प्रमाण देना है क्योंकि इस घटना नू एक्सप्लेन करन दे लई कल भी शायद भाई साहब ने एक शब्द पढ़िया हम कूकर तेरे दरबार उन्हें प्रमाण भी लाया कबीर कूकर राम को मुतिया मेरो ना हो। गुरु ग्रंथ साहिब च कुत्ते शब्द नू दो थावां ते वरत्या है दो उदाहरणां वजो एक थां ते लालच पक्षों ते एक जगह ते वफादारी पक्षों। जदों नाम की गल महाराज कहिंदे ने किवें जपना है ते साहिब कहिंदे ने स्वामी को ग्रिव ज्यो सदा स्वाम तजत नित नानक ए विदख हर भजो एक मन होए एक चित कूकर दी तरह। पर जदों लालच की गल करते ने उदों महाराज कहिंदे ने कि ज्यो कूकर हर ढाया धावै दहश दे दह दिश जाए लोभी जंत ना जानी पख अपख सब काए। कुत्ता वफादार होवे ते मालक दी खातर कुत्ता मर भी जांदा है जे कुत्ते नू खलक पै जाए सच एवे अपने मालक नू कट के ओ मारन तक लै जांदा। हलकिया कुत्ता मालक दा घर कटदा है वफादार कुत्ता अपने आप नू कुर्बान करदा है। लालच एक ओ कुत्ता है कि जेड़ा बंदा वफादारियां करन वाला है अंदर लालच दा कुत्ता भौंक जावे ते ओ अपने मालक नू भी कट्टण तो गुरेज नहीं करदा। असल विच ओ वफादार नहीं रहा ओ जो कूकर हर काया बन गया। श्लोक संस्कृति विच इक श्लोक है महाराज कहिंदे जदों किसे अंदर लालच आउंदा देखो अज भी स्पष्ट है जिस मां दा दुध बंदा पींदा है ना लालची बंदा मां दा दुध पी के मां नू भी नहीं बख्शदा। लालची बंदा अपने भरावां नू नहीं बख्शदा लालची बंदा अपने पुत्रां नू नहीं बख्शदा। कह लगे बाकी गल छड्डो लालची बंदा तां अपने गुरु दे घर नू भी नहीं बख्शदा। यह सलोक है लोभा हे लोभा लंपट सार संग सिर मोर है अनक लहरी का लोलते तावंत जिया बहु प्रकार अनक भांत बो डोलते नच मित्रन नच इष्टन नच बांधव नच मात पिता तब लज्या। ऐस तोक नू कदी पढ़ियो के नच इष्टन नच मित्रन असी पढ़ने ना बांधव ना मां ना बाप। लालची बंदा किसी का भी लिहाज नहीं करता उन्हें रौला पाया पिंड का चौधरी बुला लिया कह लगा देखो जी गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्र ते मां मैं अपने घर विच लियांदे ने हकूमत दा वफादार ये खेड़ी पिंड तो मुरिंडे गए मुरिंडे तो जानी खां ते मानी खां दो रंगण ये भी हकूमत दे अहलकार कह लो उन्हां नू लै के आए। माता गुजरी जी दोनों साहबजादे उन्हां नू गिरफ्तार किया गया। भावें असीं रथ का जिक्र करने हां चेते रखियो रथ साहब गुरद्वारा भी बन रहा है जिहड़ा बंदा ठंडे बुरज ते रख दा रथ विच लियावेगा। सतगुरु दे लाला नू कड़ियां लाईआं गईआं छोटे छोटे कोमल हथ उन्हां दे खत्थां विच भी कड़ियां। जदों माता जी कुल बच्चियां नू साहबजादियां नू पकड़िया कह लगे मां ये सानू क्यों संगत च बन्नन लगे ने। मां ने इको गल के पुत्र उस मुकाम वल वध नहीं पए जिथे अंतला टिकाणा करना। दोनों साहबजादे माता गुजरी जी गिरफ्तार करा दिते पर तुरदिया माता जी ने एक गल कही वे गंगू जिस धन की खातर तू बच्चे पकड़वाए ने तू बेईमान होए इस धन ने तेरा साथ नहीं देना तू तो शदाई होके मरेगा। ते गंगू मरिया भी कमला हो गया सी शायद आप जी नू जानकारी होवे गंगू की मौत ते कमला हो गया सी धन तो लभिया नहीं हकूमत ने भी इतने तशद किया मुरिंडे लिया रात उथे रखिया इधर सूबा है सरहंद चमकौर तो वेला होके आया क्योंकि उथे लड़ाई हो रही सी वह दुखी गए कि गुरु गोबिंद सिंह पकड़े भी ना गए मार भी ना सके मेरे पल्ले की प्या मैं हकूमत औरंगजेब नू की दसांगा। ते जदों सरहंद पहुंचिया ते खबर मिली गुरु गोबिंद सिंह दे छोटे साहबजादे ते उन्हां दी बुढ़ी माता नू गिरफ्तार किया। वजीर खां ने कहा किथे
कह लगे मुरिंडे तो लियांदे गए, उन्हें क्या उन्होंने ठंडे बुरज उत्ते रखा जाए, ठंडा बुरज क्यों ना सी? ध्यान दिया जे ये सियाल विच ठंडा नहीं, असल विच ये बुरज वजीर खान ने अपने लिए बनवाया सी। इस बुरज ते कभी खड़ो हो थले ना नीनी जगह, गर्मिया विच एदे विच पानी भरिया जांदा सी, ते जदों हवा चलती सी पानी नू स्पर्श करके बुरज ते ठंडी हवा लगती सी, इहनू ठंडा बुरज तां कहिंदे सन, इह जेठ दी गर्मी विच बैठिया भी ठंडी हवा हुंदी हुंदी सी, सियाल करके ठंडा नहीं। इत्थे हजूर दे दोनों लाला नू ठंडे बुरज विच रख दिता। मैं अज पढ़ रहा सां एक दूना सिंह हंडूरिया होया, उन्हें किताब लिखी है कथा गुरु सुतन की, उहदे चो लिखद है कि गुरु गोबिंद सिंह दे पुत्रां दे गर्म कपड़े भी गंगू ने अपने घर विच रख ले सन, ओही जोड़े सन जिहड़े लै के तुरे ठंडे बुरज ते आ गए। अक दी सर्दी अज कदी ठंडे बुरज ते बैठी है, इहनू हउमे ना समझियो। भाई साहब ने शायद रंगीला साहब ने कल परसों विचार करदे मैं एक बेनती की कि पोह दी रात सच एवे कदी ठंडे बुरज तो बाहर चौंकड़ा मार के 2 घंटे शब्द का अभ्यास करिए, सचमुच प्रतीत होवेगा गुरु गोबिंद सिंह के पुत्र साडे मोढ़ियां ते हाथ पैर रख दे, क्योंकि वह दांत उन्हूं महसूस करिए ठंडी हवा चलती है। एक पासे बाबा जोरावर सिंह, एक पासे बाबा फतेह सिंह, मां ने उठ के सीने नाल आया। इत्थे मैं कुछ शेर उर्दू विचों कहने ने, उर्दू च कहने चाहना। रात नू पुछदे ने दादी मां असी आ किथे गए, हुण जेड़े बच्चे याद रखो कदी जमीन ते नंगे पैर नहीं चले, जिन्हां नू सिख खड़ांदे ने उह खड़ावियां ने रहतनामे लिखे ने, अज उहनां नू इट्टां उत्ते कोई चादर नहीं, ठंडी खवै। ते बाबा जोरावर सिंह पुछदे ने दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, अपने से किते चले गए। मैं सिर्फ नाल नाल अखरी अर्थ, दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे खम को छोड़ के राही किधर गए, सरसा नदी दे किनारे सारे कट्ठे सां, उस दरिया तो बाद की होया। दादी से बोले अपने सिपाही किधर गए, दरिया पे खम को छोड़ के राही किधर गए, अब्बा बघा के लश्करे शाही किधर गए, पिताजी किथे चले गए, सोनी मूर्त किथे चली गई, हाय तड़फा के सूरते माही किधर गए।